मैथिली, आपने बात की कि आप माइंड को कंट्रोल शायद भक्ति संगीत के जरिए करती हैं, तो क्या आपका कॉन्सेप्ट है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि जो अध्यात्म है, जो भक्ति संगीत है, ये आपके माइंड को, आपके मन मस्तिष्क दोनों को काम कर देता है, शांत कर देता है? जब आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं मालूम है, जैसे हम लोग बहुत, मतलब मैं ही क्या, दुनिया भर एग्जाम्पल लेते हैं, भगवद गीता जो हमारे हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसा कह सकते हैं, तो जब जिसने पढ़ा नहीं है, जिसको कुछ मालूम नहीं है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके साथ मतलब उसकी दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसे बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं उसके साथ जो हो रही हैं जो कि ठीक नहीं है, लेकिन उसे लग रहा है कि अरे सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन जब आप चीज़ों के डेप्थ में जाना शुरू करते हैं, आपको तब आभास होता है कि यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे गड़बड़ी है। मैं इसका एक एग्जांपल रिलेट कर सकती हूँ म्यूज़िक से। जब मैं सीखना शुरू कर रही थी और जब मुझे बताया गया था कि अभ्यास में आपको सपाट तान का अभ्यास करना है, क्योंकि ये बहुत कठिन है, लोग तान बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब सपाट की बात आती है तो काफ़ी लोग उसी में लड़खड़ाते हैं। जब धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, शुरुआत में लगा अरे ये तो इजी है, इसमें क्या ही दिक्कत है, लोग इतना अच्छा गा लेते हैं। जिसको कुछ नहीं आता है, संगीत के बारे में नहीं जानकारी है, वो अगर कोई गीत गाता है ना, तो उसको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। लेकिन जो इंसान साधना में एक बार घुस जाता है, धीरे धीरे करके वो परते खोल रहा होता है कि अच्छा ये भी है, ये भी है, उसको उतना ही आभास हो रहा होता है कि मैं अंदर से उतना ही खाली हूँ, मुझे इतना नहीं आता और मुझे सीखना है, वो चीज़ें उसको धीरे धीरे आभास होनी शुरू होती है। जैसे मैं रोज़ अगर साधना करती हूँ, मुझे रोज़ अपने अंदर की कमी और ज़्यादा पता चलती है। तो इसी तरीके से एक अध्यात्म ऐसी चीज़ है जो आपको प्योरीफाई करता है, आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिव चीज़ है उसको बाहर निकालने में मदद करता है।